हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे सुंदर सुंदर इस प्लांट के बारे में जो कि हम बचपन में अपनी किताबों में रख लेते थे मोर पंखे की तरह। और ये बहुत ही शुभ पौधा होता है। वैसे बेसिकली इसको सब ऑर्नामेंटल प्लांट्स या हेज के प्लांट्स के रूप में, मतलब हेज के रूप में यूज़ करते हैं इसको। और ये सबसे ज़्यादा पार्क वगैरह में लगा होता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये, और इसको फुल सन में आप रख सकते हैं। और अगर फुल सन में नहीं रख सकते तो 4-5 घंटे की इसको सनलाइट तो ज़रूर चाहिए। तो आप जैसे कि देख रहे हैं इसमें दो वैरायटी होती हैं। एक तो ये गोल्डन मोरपंखी, मैंने अपनी शॉपिंग की वीडियो में शेयर किया था कि मैंने दो मोरपंखी अपने गेट के दोनों तरफ लगाने के लिए खरीदे थे, वो यही है। मैंने रिपोर्ट कर दिया था इनको अपने हाथ के बने इन दोनों पॉट्स में जो कि मिट्टी के हैं। और ये एक ये वाला होता है, ये मेरे घर के नीचे बाहर काफ़ी बड़ा लगा हुआ है, तो मैं बाहर वीडियो नहीं बना रही हूँ इसलिए उसकी कटिंग में ले आई थी। एक ये वाला होता है। अच्छा, इसमें जैसे सीड्स आते हैं प्रोपोगेट करने के लिए ना, और इसमें गोल्डन मोरपंखी में सीड्स नहीं आते, इसके सीड नहीं बनते हैं, इसमें सीड बनते हैं जैसे कि। और कहते हैं इस प्लांट को आप अपने दरवाजे के दोनों तरफ रखिए तो आपके घर में नेगेटिविटी एंटर नहीं होने देता ये। लेकिन ये तो सब वास्तु, और पहले के लोग सब बताते थे वास्तु के हिसाब से है, लेकिन ये मैं तो शौकीन हूँ प्लांट्स की, जो कि और जो भी कोई प्लांट लवर होते हैं ना, उनको सभी को प्लांट्स सभी बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे कि मुझे ये इसकी लीव्स एकदम फ्लैट इतनी सुंदर लगती है, इनका कलर्स कितना अच्छा लगता है, और बहुत ही हार्डी होता है, हमेशा ही ऐसे हरा भरा बना रहता है ये। बहुत ज़्यादा जैसे अभी जून की बहुत तपती गर्मी है तो अब आप इसको शेड में रख सकते हैं अगर पॉट में लगाए तो। और ये बहुत बड़े, अगर ज़मीन में लगाए और बड़े पॉट में लगाए तो ये इनकी हाइट बहुत ज़्यादा 20 से 35 फीट तक हो जाती है, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इनको आप स्लो ग्रोथ होती है वैसे इनकी, बहुत हार्डी होते हैं, इनको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार लगा लीजिए। तो ये जो है इसको मैं आपको बताऊंगी कि वैसे तो ये मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं, जैसे कि ये गोल्डन वाला 100-150 रुपए की हाइट के हिसाब से, इनके साइज के हिसाब से इनके प्राइस होते हैं। जैसे कि मैंने खरीदे थे ये 80-80 रुपीज के थे दो, और ये जो ये वाला होता है ये थोड़ा कम का मिलता है, डार्क वाला। ये गोल्डन मोरपंखी थोड़ा महंगा होता है, और डार्क वाला आपको 50-60 रुपए का छोटा प्लांट मिल जाएगा। तो लेकिन अब मैंने इसलिए, अब बारिश का सीजन आ रहा है, आप इजीली आप इसको घर में प्रोपोगेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास एक प्लांट है तो आप दूसरा भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आप प्लेन गार्डन सॉइल, 70% प्लेन गार्डन सॉइल लीजिए और 20% इसमें सैंड मिक्स कर लीजिए, 10% वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट कुछ भी। और इसका जैसे सीड्स होते हैं ये लाइट, पहले तो डार्क कलर ग्रीन कलर के होंगे, फिर थोड़े और डार्क होंगे, फिर ब्राउन होंगे, ये अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, तो थोड़े और एकदम ब्राउन कलर के हो जाते हैं तब इनको आपको तोड़ना पड़ेगा, काट लीजिए किसी चीज़ से। मैंने काट के रखे हुए क्योंकि एक हाथ से मैं काट नहीं सकती, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने पहले से ही काट के रखा था। जैसे कि ये है, इसको काट तोड़ेंगे ना आप, जब ये अभी तो ये ग्रीन है, पका ही नहीं है, जब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा तब ये पकता है, समझिए। फिर आप इसको तोड़ लीजिए, इसमें से एक एक ही जो एक है इसमें से ही 4-5 सीड होते हैं इसके अंदर, जैसे कि देखिए ये है 4-5 सीड होते हैं। इनको आप अलग अलग कर लीजिए और इनको आधा या एक इंच की, आधा इंच की मिट्टी में आप प्लेन गार्डन सॉइल में आप लगा दीजिए, और बस उसको मॉइश थोड़ी डार्क शेड वाली जगह पर रख दीजिए, और उसमें थोड़ा रोज पानी देते रहिए, मतलब सूखे ना वो। आप 15-20 दिन में ही आपका प्लांट आपको लगेगा कि वो उगाया है, थोड़ा छोटा छोटा पता चल जाएगा 15-20 दिन में। रेनी सीजन में तो वैसे भी बहुत जल्दी सब चीज़ें लग जाती हैं, ग्रोथ हो जाती है। और अगर आप इसको कटिंग से लगाना चाहते हैं तो कटिंग से भी बहुत ईजी होता है इसको लगाना। कटिंग से
आप इसकी शार्प कटिंग ब्लेड से या सीजर से ऐसे मतलब इसको कट कीजिए एकदम बहुत ही शार्प कटिंग, जैसे कि ये है कम से कम 4 या 5 इंच की आप कटिंग लीजिए। जैसे ये है तो आपने इसको थोड़ा सा तिरछा काट लिया है, इसको इतनी बड़ी कटिंग 4-5 इंच की ले लीजिए। नीचे की देखिए मैंने सारी यहाँ की ये इसकी लीव्स हटा दी हैं, स्टैम्प से ये हटा देना है आपको, ठीक है, ऐसे कर लेना है इसको। और ये रूटिंग हार्मोन आता है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत अच्छा है, इससे किसी भी प्लांट की आप कटिंग लगाएंगे ना तो वो 100% लग जाती है। तो अधिकतर नर्सरी वाले यही अपनाते हैं इसको लगाने का तरीका। तो मैंने ये जैसे एक बाउल में निकाल रखा है शीशे में, इसमें रूटिंग हार्मोन और फंगीसाइड पाउडर दोनों बराबर बराबर मात्रा में इसमें मिक्स करके रख लिया है। मैं जब भी कोई कटिंग, क्योंकि बार बार इसमें से निकालना नहीं पड़ता, मैंने इसमें थोड़ा निकाल लिया है। अब जैसे इसको ना थोड़ा, जो भी आप कटिंग लाए ना, पहले आप उसको आधा एक घंटा 2 घंटा आप उसको पानी में, कांच की बोतल में जैसे मैंने भिगो के रख दिया था, पानी में रख दें इसको ऐसे करके, फिर ये थोड़ा ऐसी हो जाए, गीली हो जाए, फिर इस पर रूटिंग हार्मोन और फंगीसाइड पाउडर ऐसे लगा के, और जैसे ये होल किया था इसमें ऐसे होल करें, होल करके और आप इसमें इसको अच्छे से लगा दीजिए अंदर तक ऐसे, और इसको बस दबा दीजिए, बस हो गया। और अगर आपके पास ये रूटिंग हार्मोन पाउडर नहीं है तो सबसे अच्छा है आप एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल हो या फिर दालचीनी पाउडर हो, और उसको आप लगा सकते हैं, उसको लगा करके भी आप, या हल्दी भी लगा सकते हैं आप, उसको लगा के आप करेंगे ना तब भी लग जाता है। ऐसे आप काफ़ी सारे कटिंग लगा लीजिए ऐसे, इस तरह से आप एक ही पॉट में काफ़ी सारी कटिंग लगा लीजिए। अब ये जब लग जाती ऐसे ना काफ़ी सारी, ये मान लीजिए आपकी आपने इतनी सारी लगाई है ना, तो इसमें से आपने मतलब 6 लगाई हैं तो आपकी 4 तो लग ही जाएंगी, वैसे तो 6 की 6 ही लग जाएंगी इसको लगा करके, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो 6 में से 4 तो बचेंगी ना, तो आपके 4 प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो आप इसको और थोड़ा मतलब इसमें फिर उसके बाद पानी दे दीजिए हल्का सा बस, क्योंकि पहले से भी मिट्टी गीली थी। तो इस तरह से आप प्लांट बना सकते हैं, और यही कटिंग का तरीका अधिकतर, कटिंग लगाने का तरीका अधिकतर सभी प्लांट्स में होता है। आप इस तरह से फ्री में ही प्लांट्स की कटिंग से अपने फ्री में प्लांट बना सकते हैं। बस ये है कि इसका अगर सीड से ग्रो कर रहे हैं ये तो बहुत ईजी है, लेकिन इसका सीड पका होना चाहिए, और प्लांट में लगे लगे ही सीड पक जाते हैं तो ये बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और इनके सीड चारों तरफ फैल जाते हैं तो नए नए प्लांट्स निकल आते हैं। अगर लेकिन अब यहाँ पर तो हम लोग फ्लैट में रहते हैं, ऐसा होता नहीं है, तो हमको तो कटिंग या तो प्लांट्स खरीदने पड़ते हैं, या फिर अपना कटिंग लगाओ या अपने आप करो। ये जर्मिनेशन जो होती है इसकी सीड से 15-20 दिन में हो जाती है। तो आप इस तरह से आप अपने मनपसंद प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, और इसको अगर आप अपने मेन गेट के दोनों तरफ रखिए वो अच्छा मानते हैं काफ़ी, और आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे आपके घर में कहीं विंडो है उसमें आ रही है सनलाइट बाहर से आ रही है तो आप उस जगह पे रखिए ताकि इसको बाहर की रोशनी मिलती रहे। और इसकी इसको ना थोड़ा मॉइस्चर पसंद है इसकी सॉइल को, रेगुलर वाटरिंग इसको चाहिए, और इसकी आप मिट्टी को थोड़ा सा गीला ही करके रखें, एकदम सूखा ना रखें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।